आज के इस वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। प्रश्न चूंकि काफ़ी ज़्यादा हैं तो थोड़ा वक्त लग सकता है, पूरी वीडियो को पूरे संयम के साथ देखने की कृपा करेंगे। अभी बात यहाँ पर ऐसी है कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो सभी एलिमेंट का हम करते हैं, तो एक पार्ट तो आपका कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, ऐसे सेमीकंडक्टर भी एक पार्ट है, लेकिन हम सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे, आगे चल करके कभी डिस्कशन किया जाएगा। इंसुलेटर भी आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग कंडक्टर की बात करने वाले हैं। अच्छा, कंडक्टर ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है, शुरू से जानते आए हैं। होता क्या है कि कंडक्टर बेसिकली मेटल्स होते हैं, और मेटल में जो वैलेंस ऑर्बिट होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दी बॉडी मूव कर सकते हैं। वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी नहीं रखते, वो पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं रोमिंग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं घूम सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर के अंदर कहीं भी रोम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब जब इसी कंडक्टर को हम लोग प्लेस करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं ना, वो डायरेक्शनल हो जाते हैं, और इसके वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। अब फिलहाल हम लोग जो बातें कर रहे हैं करंट के पहले की कर रहे हैं, अभी तक हम करंट प्रोड्यूस कराने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, और इसका डिस्कशन भी अभी नहीं करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नज़र में कंडक्टर को देखें, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की बात करते हैं, इन दी इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर किसी भी शेप का हो, इज जीरो। एक इसमें डिस्क्लेमर लगा देंगे, अंडर स्टैटिक सिचुएशन। ठीक है, स्टैटिक सिचुएशन बोलने का मतलब हम जब मान के चल रहे हैं कि करंट नो करंट वाला केस है, करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, है ना। हम सबसे पहले एक प्लेट यहाँ ले लेते हैं, एक दूसरा भी प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, और एज्यूम करते हैं कि एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे पे माइनस सिग्मा। अगर ऐसा हो तो इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, एयर है, ई नोट से एक्सप्रेस कर लीजिए, तो ई नोट इज इक्वल टू है ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहले बताया हुआ है, ये उस जगह बताया हुआ है जहाँ पर गॉसस लॉ के एप्लीकेशंस हम लोग देख रहे थे, एक सीट के कारण यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, और दूसरे के कारण सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, और दोनों साइड लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव और राइट ऑफ नेगेटिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हाँ, ये बात आप मन में अभी रख लें। ओके, अभी जैसे ही कोई कंडक्टर, ठीक है, हमको यहाँ पर कंडक्टर प्लेस करना है इसके अंदर, और एक कंडक्टर हम अगर प्लेस करते हैं तो कंडक्टर प्लेस करने के बाद से सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, एज्यूम कर लेते हैं ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में है। अच्छा, अगर यही कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के गैर मौजूदगी में होता तब इसमें क्या होता, थोड़ा सा सोच के देखें। तो बात कर रहे थे कि चार्जेज फ्री वाले तो होते और रेंडमली मूव कर रहे होते, एवरेज वेलोसिटी जीरो होता, और उस केस में भी इसके विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो वो जीरो होता। अब
चूँकि हमने उसको दो चार्ज प्लेट के बीच में रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा है, तब क्या होगा ये हम लोगों को आंसर करना है। खैर, अभी आपको मालूम है कि अगर इसको इसमें रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, और इंडक्शन के वजह से क्या होगा कि इसके सरफेस पे आपको नेगेटिव चार्जेस आएंगे और इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक चार्जेज कब तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। क्यों इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंडक्शन के कारण ई आई होगा, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर देखें, दो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो एक्चुअली ये ई नॉट एक्सटर्नल माइनस ई आई इंटरनल माइनस करना होगा, आई इंड्यूस्ड के लिए मैंने किया है। तो इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की बात हो रही है। दो अपोजिट फील्ड जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तब चार्ज का फ्लो अपने आप रुक जाएगा, और उस स्टैटिक सिचुएशन में इस पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होगा, वो आपका कितना होगा, तो इधर माइनस सिग्मा इधर प्लस सिग्मा। ये तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, इसका हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, याद होगा जब हम लोग इंडक्शन का डिस्कशन कर रहे थे तो इंडक्शन के कारण इंड्यूस चार्ज जो था वो बेसिकली कितना था, माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के, ठीक है। अगर हम बात करें मेटल के केस में, तो मेटल के केस में के इन्फिनिटी होता है, तो आपके पास क्यू आई इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। यानी हम इस क्यू आई के मैग्नीट्यूड को ले लें तो यहाँ भी क्यू का मैग्नीट्यूड लेंगे। अब इसको अगर क्यू आई को डिवाइड कर दें एरिया से, तो यहाँ पर भी क्यू को एरिया से डिवाइड करेंगे। अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक तरफ तो सिग्मा इंड्यूस्ड वाला और एक तरफ सिग्मा ओरिजिनल वाला, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर दोनों बराबर हो गए तो ई आपका नॉट इतना था और ई आई का एक्सप्रेशन क्या हो जाता, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। फिर तो दो ही प्लेट इधर बन रहे हैं ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जो सिचुएशन पहले था वही सिचुएशन अभी भी आ गया। अब ई नेट इनसाइड की बात करेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू, चूँकि दोनों अपोजिट हैं तो वही वेक्टर वाला यूज करना पड़ेगा, ई नेट इज इक्वल टू ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर, और अपोजिट है इसलिए कॉस 180, तो कॉस 180 माइनस वन होता है, तो ई वन माइनस ई टू, ई वन के जगह पर ई नॉट और ई टू के जगह पर यहाँ पर आपके पास ई आई। तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करें तो ये तो आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कंडक्टर के केस में ओके, चूँकि सेम चार्ज इंड्यूस्ड होता है बॉडी के सरफेस पे, इसीलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए भी और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए भी कर दिया तो आपको जीरो मिल गया। तो स्टैटिक सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो या इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट हो फर्क नहीं पड़ता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होगा, ओके। ये करंट पास नहीं हो रहा तब की बात कर रहे हैं, ओके। चलिए एक अच्छी प्रॉपर्टी हाथ लगी, यानी अब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर आपने कोई भी कंडक्टर इस तरह का लिया है तो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अभी यहाँ पर आप ई नेट या ई इन ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। ऐसा सिर्फ एक क्यूबिकल साइज शेप वाले कंडक्टर के साथ नहीं, किसी भी शेप वाले कंडक्टर को लोगे तब आपको मिलेगा। ऐसे भी आप जब होलो स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो उसके इंटीरियर में जीरो आया था, तो होलो ही नहीं सॉलिड भी अगर होता तब भी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, अगर स्टैटिक सिचुएशन की बात हम लोग करते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आंसर हो गया, वाला क्वेश्चन। अभी
हम लोगों को ये पता करना है कि अगर हम यहाँ बात करें, क्या बात करें कि नेट चार्ज दूसरे प्रॉपर्टी में, कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कितना होता है, इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कितना होता है ना, तो इज ऑलवेज जीरो, ऐसा बोला जा सकता है ये प्रॉपर्टी में। अब इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, हाँ ये भी स्टैटिक सिचुएशन की ही बात कर रहा है, स्टैटिक सिचुएशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। देखिए कुछ और नहीं करना है, अगर हम इसके अंदर से एक गाउसियन सरफेस ले लें, ठीक है, और गाउसियन सरफेस को अप्लाई करते हुए हम फ्लक्स निकालें, तो आपको मालूम है फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बेसिकली इंटीग्रेशन ई है ना, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डॉट डी एस होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्यू इन लिखते हैं बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रेशन है ई इन साइड डॉट डी एस की बात करें, तो अगर हम इसको जीरो पुट कर दें डॉट डी एस, तो ऑब्वियस है कि ये तो जीरो को कितनी बार भी इंटीग्रेट कीजिएगा तो जीरो ही होगा, यानी क्यू और एप्सिलॉन नॉट उधर मल्टीप्लाई भी कर दें तो जीरो हो जाएगा। यानी अगर एक मेटलिक कंडक्टर है, होलो है या सॉलिड है, अगर स्टैटिक सिचुएशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करेंगे, तो वहाँ पर क्यू इनसाइड मतलब क्यू नेट, मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यू नेट इनसाइड इज ऑलवेज जीरो। चलिए तो एक आपका दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अभी एक और बात करनी है, ये सब तो हमें मिल गया, कंडक्टर से ही एक एक प्रॉपर्टी आप लिखते रहिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी को प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इनसाइड एंड इनर सरफेस, इनर सरफेस, आउटर नहीं, इनर सरफेस की बात कर रहे हैं, ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एक एक प्रॉपर्टी देखते जाइए और लिखते भी जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये कहाँ से आएगा, तो होप आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हम लोगों को ये मिला था। अगर हम भी को इनर सरफेस की बात करें या इनसाइड की बात करें, तो ई इनसाइड या इनर सरफेस लिख सकते हैं, और अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया ई इनसाइड दिख भी रहा है जीरो, तो आप यहाँ पर माइनस डी वी इन बाय डी आर कहेंगे, और इस वजह से क्या होगा, इधर तो डिफ्रेंसिएशन जीरो किसका होता है ये पता कर लीजिए, तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे डी बाय डी आर ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, एकदम बिल्कुल फिजिक्स के लैंग्वेज में है ही, हम सारी कुछ समझाने की बात करते हैं, आउट ऑफ फिजिक्स जाना कभी कभी लगता है ठीक रहेगा, लेकिन फिजिक्स के सेंस में अगर देखें, जेन्युइन फिजिक्स पढ़ना है तो हमको इसके बाउंड्री के विदिन ही रहना पड़ेगा, और तब डी बाई डी आर हटा दें एकदम नॉर्मल जेन्युइन तरीके से, क्लासिकल तरीके से, तो आप यहाँ देखेंगे भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, इन एंड इनर सरफेस दोनों की बात कर सकते हैं, यहाँ पर इनसाइड एंड इनर सरफेस दोनों में इन है, इसलिए मैंने इन लिखा है। हाँ, तो इस प्रॉपर्टी से एक आउटकम और मिला हमारे पास, कि अगर कंडक्टर के इनसाइड एंड सरफेस पे बात करें तो भी जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उस केस में भी शेप कोई भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसके बाद से तब एक और हम लोग बात कह सकते हैं कि जो सरफेस है
ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का, ऑफ एनी शेप, शेप मायने नहीं रखता है ना, इज ऑलवेज क्या होगा, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे रेगुलर सरफेस में हमको ये तो समझ में आता है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर हो है ना, तब इसके सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कह भी सकते हैं, इसके सरफेस और इसके अराउंड हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ भी किया हुआ है। लेकिन इरेगुलर सरफेस, जैसे हम अपने बॉडी की बात करें, ठीक है, क्या ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? तो अभी कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में हम नहीं हैं, मेरे पूरे बॉडी का पोटेंशियल जीरो। और जैसे ही मैं एक लाइव वायर हाथ में होल्ड कर लूँ, अच्छा डिस्क्लेमर है, इसको एक्सपेरिमेंटली ट्राई मत कीजिएगा है ना, वो जो कोका कोला और पेप्सी का ऐड देता है, अक्षय कुमार बहुत अच्छे स्टेंट करते हैं, लेकिन नीचे में जो लिखा हुआ लाइन है वो ज़रूर पढ़िएगा। तो मैंने बोला कि अगर हम एक बिजली का तार लाइव वाला अपने हाथ में होल्ड करने नीचे प्लेटफॉर्म रख ले, ठीक है, एकदम इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब चार्ज का फ्लो ना हो, तो शायद मुझे शॉक ना लगे। ये हमने पिछले केसेस में देखा था कि चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो वैसे केस में मेरे पूरे बॉडी का पोटेंशियल 220 वोल्ट हो जाएगा। अब आप अगर मेरे नोज को टच करोगे तो 220 वोल्ट, मेरे ईयर को टच करोगे 220 वोल्ट, मेरे आर्म को टच करोगे 220 वोल्ट, हर जगह मिलेगा। बिकॉज मैं एक मान लो कंडक्टर का सरफेस हो गया और मेरे पूरे बॉडी पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहना है, बिकॉज आई एम वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यहाँ पर ये बात भी जम गई, यानी आपने एक और नया, ठीक है, देख लिया। इसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ों को आज हम लोगों को डिस्कस करना है। एक और बात है कि हम जो चार्ज बोले कि जो भी देंगे एडिशनल वो सरफेस पे ही रहेगा, तो भाई सरफेस पे रहेगा तो बिछेगा कैसे, ठीक है, स्प्रेड कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो एक ये भी क्वेश्चन था हमारा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी बात करें, जब सरफेस पे रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बनेगा, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में ये माना जाता है कि प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ लोग ये सोचते हैं रेडियस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर केवल स्फेरिकल सरफेस के लिए होता है, तो आप फुल्ली सही नहीं हो, ठीक है, ये शेप कोई भी हो सकता है ना, कोई भी शेप की बात हम लोग कर सकते हैं, रेंडम के लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई अगर है तो भी हम ये कर सकते हैं। अगर हम ये बोलें कि एक प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है, तो वंस अगेन हम बोलेंगे क्लास टेंथ में वापस, अरे वापस नहीं जाना है, क्लास टेंथ के कंटेंट में वापस जाने की बात करते हैं। और क्लास टेंथ के कंटेंट में अगर वापस जा करके आप देखोगे तो प्लेन मिरर जो था वो भी एक स्फेरिकल मिरर था, ऑफ रेडियस कितना, इनफाइनाइट, याद आ गया है ना। अब जैसे हम अगर बात करें कि ये स्फेयर मेरा ए में है तो इसका सेंटर यहाँ पर है, और जैसे जैसे इसको प्लेन करते जाएंगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ बढ़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी घटेगा। मतलब अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का तो रेडियस फिक्स हो गया, तो जो भी चार्ज देंगे इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई बॉडी है और उस पर हमने चार्ज स्प्रेड किया तो उसका क्या होगा अंजाम, वो भी देख लेना है। तो देखिए ये अगर यहाँ पर हम वाइंड करते हैं तो देखिए सेंटर यहीं पर, इसका रेडियस हमको यहाँ मिला। अगर इस पार्ट को हम वाइंड करते हैं तो देखिए हमारा सर्कल और छोटा हो गया। तो जहाँ पर रेडियस कम है ना, और कहीं कहीं प्लेन भी हो रहा है, तो जहाँ रेडियस कम है वहाँ पर चार्ज बहुत क्राउडली रहेंगे, ठीक है, क्राउडली
यहाँ पे, और जहाँ पर रेडियस ज़्यादा है वहाँ पर चार्ज थोड़े से दूर दूर रहेंगे। जैसे यहाँ पर प्लेन होने जा रहा है, बहुत रेयर डिस्टेंसेस पे आपको चार्ज मिलेंगे, जबकि यहाँ पर देखिए रेडियस ये होने वाला है, तुरंत चार्ज यहाँ देखिए इस तरह से। तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, एक जगह प्रूफ भी है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी इंटेंशन थोड़ा डिफरेंट है। तो यानी डिफरेंट पॉइंट पे जो चार्ज का स्प्रेडिंग होगा, अगर इरेगुलर सरफेस है तो डिफरेंट होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ओके, चलिए एक और आंसर मिल गया आपको, प्रॉपर्टी बड़ी शानदार, और सभी प्रॉपर्टीज़ को जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर, हम बात करते हैं जस्ट आउटसाइड, है ना, एक कंडक्टर, अभी इनसाइड की बात किए थे ना, अभी जस्ट आउटसाइड एक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये एक ईयर सीबीएसई के क्वेश्चन में भी आया था प्रूफ करने के लिए, 2 मार्क्स का। बोलोगे सर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स वाला कुछ बता दो। हाँ, 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन अब एक एक दो दो नंबर से ही बनते हैं, ठीक है। पहले फिजिक्स में रन मतलब मार्क्स बड़े लंबे लंबे स्कोर होते थे, 5 नंबर 3 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन, अब नहीं, अब स्प्लिटेड आते हैं, ठीक है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, लेकिन चलो ठीक है। अभी ये प्रूफ करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, क्योंकि हर पोजीशन पे आप देख रहे हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है, तो एक किसी जगह पे हम एक गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे, और गाउसियन सरफेस एज्यूम करने के बाद, ठीक है, इस जगह जो चार्ज इनक्लोज है उसको डी क्यू बोल देते हैं, और ये जो सरफेस एरिया है इसको डेल एस बोल देते हैं। इस पोजीशन पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इस डायरेक्शन में ई मिल गया, और सरफेस एरिया वेक्टर भी इधर ही मिलेगा। तो हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू, है ना, गॉस लॉ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपने देखा था, और इस गॉस लॉ में एक तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका था चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस एलिमेंटल एरिया में हमारा जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये वाला पार्ट, वो आपका डेल क्यू है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अभी बाय डेफिनेशन आ जाइए, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, है ना, ई इंटू एरिया, ई आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डेल एस, और चूँकि नॉर्मल है इसलिए कॉस यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अभी 1 एंड 2 से इक्वेट कीजिएगा, तो देखिए ई इंटू डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू आप डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल एस इंटू एप्सिलॉन नॉट कर लीजिएगा, और डेल क्यू बाय डेल एस, डेल क्यू बाय डेल एस, वंस अगेन आप याद रखिए, चार्ज बाय सरफेस एरिया ये तो सिग्मा हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बात हो गई। हाँ, अभी वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा वो भी देख लीजिए। ई वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, जहाँ पर एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर, ये हमारा कंसर्न है, ये हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो अब एक बात और हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद से हम 6th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 वीडियो पॉज करके लिखते जरूर जाइएगा, हर प्रॉपर्टी का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देने की मैंने कोशिश की है, और आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद, ऐसी मैं करता हूँ। तो अभी एक डायरेक्शन के लिए हमारे पास सिचुएशन है, डायरेक्शन के लिए क्या है वो देख लीजिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज
नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब ऐसी बात मैंने कैसे कह दी, ये तो कुछ अलग कह दी। कोई बात नहीं, आप याद कीजिए, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए को एक तो वर्क के टर्म में लिख रहे थे और एक इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यहाँ पर ए से लेकर के बी तक और साथ में नेगेटिव था। अभी प्रूफ भी किया था हमने कि सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम कहीं से भी पॉइंट ले लें, कहीं पर भी ए ले लें, कहीं पर भी बी ले लें और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी माइनस वी दैट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यानी इसके इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो कब होगा, जब जीरो को जोड़ते चलिए, जितनी बार भी जोड़िए। इंटीग्रेशन कुछ और नहीं, एडवांस समेशन ही है। तो ऑब्वियस है कि बाहर रिजल्ट जीरो आ रहा है इस साइड, इसका मतलब ये जो अंदर इंटीग्रेशन वाला है वो भी जीरो ही है। तो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो। अब आप एक काम कीजिए, डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। डॉट प्रोडक्ट की ब्रेक करने की बात मैंने कही है, तो ए डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ए से बी तक का डिस्टेंस दिख रहा है इसलिए डी आर जीरो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी हम मान चुके हैं यहाँ पर, उसको भी जीरो नहीं मानते। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो होता है कॉस 90 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, हर जगह पे दिखा सकते हैं, तो जहाँ दिखाना चाहते हैं दिखाइए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दिखाना चाहते हैं तो देखिए 90 डिग्री, इस पॉइंट पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री, इस पॉइंट पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री, ये दिखना चाहिए परपेंडिकुलर, ओके। अगर आप इस जगह पे दिखाएंगे तो फिर देखिए यहाँ 90 डिग्री, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऐसा दिखेगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कोई भी शेप ऑफ कंडक्टर हो उसके परपेंडिकुलर होगा। यही चीज़ अगर स्फेरिकल कंडक्टर होता, ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसका परपेंडिकुलर हमेशा रेडियल ऐसा होता। हाँ, तो अगर हम यहाँ से सरफेस, मान लीजिए कि सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना चाहते, फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते, तो अंदर वाले लाइन तो दिखा नहीं सकते, अंदर के लाइन किसलिए नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप यहाँ से दिखा सकते हो, इसके बाहरी वाले पार्ट से दिखा सकते हो, और अगर सबको लेकर के मिलाओगे तो सेंटर पे, और इच पॉइंट पे ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 का ही एंगल बना रहा है। तो अब तक हमने जो जाना वो एक बार रिकैप कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, उसके बाद से चार्ज हमने कंडक्टर के अंदर वो भी जीरो देखा था, पोटेंशियल की बात थी वो इनर सरफेस और इनसाइड पे ये कॉन्स्टेंट देखा था, ठीक है, और डायग्राम में वो दिख ही रहा है। तो सभी प्रॉपर्टी एक एक करके अब मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं, कुछ और भी है जिसको डिस्कस करना है। तो एक बात अब हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि अगर होलो स्फेयर के अंदर या होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये प्रॉपर्टी नंबर देख लीजिएगा 6 या 7 जो हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक कैविटी, कैविटी इन अ होलो कंडक्टर, कैविटी होलो कंडक्टर के अंदर अगर हम ये करें तब क्या होगा। एक मान लीजिए इस तरह का आपके अंदर होलो कंडक्टर आपके पास है और इसके अंदर कोई कैविटी बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे अनचार्ज कंडीशन या चार्ज कंडीशन में, ठीक है, ये जीरो होगा, इज
जीरो। अच्छा सपोज कीजिए कि अगर आपने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, तो चार्ज करने से क्या होगा, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इंडक्शन के वजह से ठीक है क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ बुलाएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आप ऐसा सोचें, सोचना भी चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस इनर सरफेस पे आ जाएंगे, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी आप जब सारे चीज़ों को देखेंगे तो इनसाइड द कैविटी नेट चार्ज जीरो होगा, ठीक है, और साथ ही साथ भी कांस्टेंट होगा, यानी किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना हर सिचुएशन में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस रखता है, और उस प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस को हम लोग एक नाम देते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑब्लिक स्क्रीनिंग, ठीक है। ये यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ ए कंडक्टर, इनसाइड केज ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, इट इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ये क्या है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब लाइटनिंग एंड थंडरिंग हो रही हो, तो आप अगर किसी कार के अंदर, बस के अंदर, घर के अंदर, क्योंकि घर में भी जो ऊपर का छत होता है वो रड से बनते हैं, आप ज़्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि बाहर का फील्ड कुछ भी हो, ऐसे भी लाइटनिंग थंडरिंग के समय इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, अंदर का फील्ड जीरो होगा, आप सेफ रहोगे। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी कॉस्टली गैजेट्स हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी, वो जनरली मेटलिक शील्ड में रखा जाता है, वजह यही है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कभी वो डैमेज नहीं होता। अच्छा, कभी कभी एक और एग्जांपल मिलना चाहिए, वो भी आपने देखा होगा, ये जो कंप्यूटर डेस्कटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप सबने देखा होगा, लेकिन डेस्कटॉप में जनरली सबने देखा है कि उसका मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट डेस्कटॉप का सीपीयू, सीपीयू का जो कैबिनेट होता है वो कैबिनेट मेटलिक होता है, है ना, कभी बिना स्लीपर पहने हुए ऑन करके सीपीयू टच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या था, कंडक्टर था, शॉक लगेगा, ठीक है। मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई एक्सपेरिमेंटली ट्राई ना करें, थ्योरेटिकली जो बातें मैं बता रहा हूँ, कभी कभी आपको नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए, उसके अंदर कंप्यूटर का सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, मदरबोर्ड है, मेमोरी कार्ड है, सारे कनेक्शंस हैं, तो क्यों उसको मेटलिक केज में ही रखा गया, ठीक है, और भी वजह होंगे, लेकिन एक वजह ये भी है कि मेटलिक केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड असर नहीं करता, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अच्छा, ये आजकल जो मोटे मोटे केबल आ रहे हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट केबल आपको इंटरनेट वगैरह के भी, तो इनर अगर जो वायर है, केबल है, वो अगर किसी वजह से इफेक्टेड हो जाए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तक कि आपको डिश टीवी में भी जो वायर आता है देखेंगे, केबल तो ऊपर में देखेंगे एक मेटलिक, है ना, केज टाइप का बना रहता है, सीट से कवर रहता है इनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जो आउटर वाला है मेटलिक वाला, उसको जनरली अर्थ से लोग जोड़ देते हैं कि हाई वोल्टेज के केस में उसे कुछ डैमेज ना हो। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग का कुछ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। तो होप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में ऐसा सच कुछ रह नहीं गया हो, सब कुछ आपको समझ में आ गया हो, जो छूट गया हो किताबें यूज कर सकते हैं।